जीवन में कर गुजरने की चाहत हर इंसान के मन में होती है, लेकिन सोचने से कुछ नहीं होता। जिंदगी में कुछ पाना है तो उसके लिए मेहनत करनी बहुत आवश्यक है। अपनी जिंदगी का बहुत कीमती समय पर जो हम इधर उधर व्यर्थ में गवा देते हैं, उसको हमें अपनी जिंदगी को संवारने में लगा देना है। हमारी जिंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता। जीवन को आप किस तरीके से जीना चाहते हो यह पूरी तरह से खुद पर निर्भर करता है। संसार में अपनी एक अलग पहचान, एक अलग ही रुतबा बनाना है तो अपनी काबिलियत को साबित करना पड़ता है, और जिंदगी में अपनी काबिलियत को इतना साबित कर दो कि दुनिया की हर चीज आपके कदमों में हो और आपकी हर एक ख्वाहिश जो आपने देखी है, सोची है, उस ख्वाहिश को अपने मन में उतार कर अपने सपनों और अपने लक्ष्य के ऊपर इतना काम करो कि आपका लक्ष्य आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। आप खुद इतने मजबूत बनो कि कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत खुद को रोक ना सके। दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती मेरे दोस्त, जो हम कर ना सके। हम कर इसलिए नहीं पाते क्योंकि हम सोच तो बहुत कुछ लेते, लेकिन उस चीज को हम एक रूप दे नहीं पाते। हमें यह समझ नहीं आता कि हम उस चीज पर काम कैसे करें। सपने देखना बहुत आसान होता है, लेकिन उन सपनों को हकीकत में बदलना यह उससे बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जब तक हम कठिनाइयों का सामना नहीं करेंगे, अपने जीवन में संघर्ष नहीं करेंगे, तो हम अपनी कामयाबी तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अगर जो इंसान संघर्ष करने से डर रहा है, उसको संघर्ष करने में जोर पड़ता है, वह इंसान कभी अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो सकता। दुनिया के जितने भी महान लोग हैं, जो आज सफलता की चरम सीमा पर है और जो सफल हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान दुनिया में बनाई है, उन सब लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत सेक्रीफाइस किए, बहुत त्याग किया उन्होंने। जीवन में आगे बढ़ना है तो लोगों की ताने सुनने पड़ते हैं मेरे दोस्त। बहुत लोग आपको ऊपर चढ़ते हुए नहीं देख पाते हैं, वो वहां आपको गिराने की बहुत कोशिश करते हैं कि आप उस कामयाबी तक कभी ना पहुंचे। पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अधिकतर लोग आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनको इस चीज का डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है मेरे दोस्त, तो आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो, अपने आप को इतना मजबूत, इतना अलग बनाना चाहते हो, तो डरों से बाहर निकलना होगा, डर को डराना होगा। जब तक आपके अंदर से बाहर डर नहीं निकलेगा, तो आपके अंदर वह हिम्मत नहीं आ पाएगी जिसे आप आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सको। आगे बढ़ने के लिए आपका अंतर मन मजबूत होना चाहिए। आपको किसी की परवाह नहीं होनी चाहिए। आपका सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए, और वह सिर्फ आपका सपना है जो आपने देखा है। अपने परिवार के लिए कुछ आपने तो जरूर सोचा है। अपने माँ बाप जिन्होंने आपको जन्म दिया, इस काबिल बनाया, इसके लिए कुछ करना है तो दुनिया की हर चीज को पीछे छोड़कर सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। अगर खुद आप उस चीज को करना चाह रहे हो तो बिल्कुल कर पाओगे। और जीवन में हमारे पास समय बहुत कम होता है जिसको हम अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ल्ड बैंक ने हर इंसान की औसत आयु 78 वर्ष निकाली है, जिसके अनुसार एक व्यक्ति 29 साल यानी सोने में गवा देता है, 45 साल अपनी शिक्षा में गवा देता है, 10 साल रोजगार में गवा देता है, और 10 अपने मनोरंजन में बिता देता है, 15 साल वह अपने रोजमर्रा के काम में बिता देता है, दैनिक काम में। कुल मिलाकर अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है तो आपके पास बहुत कम समय बचता है, और इंसान समय के अंदर ही आपको इतना साबित करना पड़ता है कि आप उस सफलता के चरम तक पहुंच पाए। इसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है मेरे दोस्त। अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा जुनून उस लक्ष्य में लगा डालना है। इस दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज पता है क्या है? समय। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी, अपने समय को ऐसे ही गवा देते हैं, एक निराशा में जिंदगी जीते हैं। उन लोगों की सोच यह है कि उनके जीवन में कोई चमत्कार होगा और सब ठीक हो जाएगा। अरे भगवान इतना फालतू नहीं बैठा है। जब तक आप कदम नहीं बढ़ाओगे, तब तक भगवान भी आपको सपोर्ट नहीं करने वाला। लेकिन अगर आपको अपनी जिंदगी में चमत्कार चाहिए तो उसको आप खुद कर सकते हो। जब तक आप खुद अपने लिए खड़े नहीं होंगे, तब तक खुद के लिए लड़ना नहीं सीखोगे, और तब तक आपकी जिंदगी में कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। कोई भी दूसरा इंसान किसी भी लाइफ को नहीं बदल सकता, ये गारंटी है। उसको अपनी लाइफ खुद ही बदलनी पड़ती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होता है, क्योंकि जिंदगी में वही होता है
जो हम सोचते हैं, जो हम मानते हैं, जो हम बोलते हैं। कहा जाता है कि एक बावरे का वजन बहुत भारी होता है, इसलिए मैं उड़ नहीं सकता, लेकिन उड़ को इस बात का पता नहीं होता और वो उड़ पाता है। हम यह सोचते हैं कि हमारी इस जीवन में वही होगा जो हमारे भाग्य में लिखा होगा। हमें इस धारणा को बदलना ही होगा, क्योंकि हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। इंसान के हाथ में होता है, अपनी किस्मत इंसान के हाथ में होता है और खुद में होता है। अपनी किस्मत को बदलना अगर उसने ठान लिया कि उसे वह खुशियाँ, वह सफलता चाहिए, तो वह किसी भी कीमत पर उस सफलता तक जरूर पहुँचेगा। इंसान के अंदर, खुद के अंदर आग होनी चाहिए जिसे कोई भी आग बढ़ने से रोक ना सके। जीवन में हम निराश हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि कुछ बचा ही नहीं है, लेकिन सब कुछ हमारे हाथ में होता है। हम चाहे तो सब कुछ ठीक कर सकते हैं। खुश रहना है या नहीं रहना है, यह पूर्ण रूप से हम पर निर्भर करता है। कहते हैं ना कि भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जिसको जो भी जिस रूप में मानते हैं, उसकी इंसान की सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करना जानता हो। कोई व्यक्ति यह सोच रहा है कि हमारे साथ जो होगा वह हमारे बस में नहीं है, तो अपनी सोच को बदल दें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।